मैं आपको पूरे 50,000 रुपए का यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा और अपने बैंक अकाउंट पे भी यहाँ पे आपको लेके दिखाऊंगा। अगर आपको भी 1,000 से लेके 1,00,000 रुपए की यहाँ पे इंस्टेंट जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे 1,000 से लेके 1,00,000 रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे सिर्फ पैन कार्ड और साथ में यहाँ पे आधार कार्ड, तो ना ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है ना ही आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर आप यहाँ पे एक बड़े अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुझे यहाँ पे लोन मिला तो पूरे 50,000 रुपए का मुझे यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद प्लेटफॉर्म फीस लगी है जो यहाँ पे 2,251 रुपए लगी है। उसके बाद जो जीएसटी लगी है वो 404 रुपए की लगी है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम फीस हमारी यहाँ पे नहीं लगी। उसके बाद अमाउंट टू गेट जो हमारे अकाउंट में आए हैं 47,354 रुपए मेरे यहाँ पे अकाउंट में आया है। और जो मुझे यहाँ पे लोन मिला है इसका मेरे को यहाँ पे सेक्शन लेटर भी यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सेक्शन लेटर भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी एप्लीकेशन है। किसी भी अगर हम अच्छी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे सेक्शन लेटर भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेक्शन लेटर को भी आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल यूज के लिए मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया था और 9 मंथ का मुझे यहाँ पे लोन मिल चुका है। तो यहाँ पे इनर से यहाँ पे 2655 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा है तो 7,798 रुपए मेरे ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे को लोन मिला है तो पूरे 9 मंथ का मुझे यहाँ पे लोन मिला है, जिसकी ईएमआई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,422 रुपए इसकी यहाँ पे ईएमआई बनी है। 9 ईएमआई के ऊपर मुझे यहाँ पे जो लोन है यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगा है 12% के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, और जो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से लगा है वो लगा है 22.36% के हिसाब से हमारे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ने यहाँ पे पूरे तरीके से सेक्शन लेटर भी प्रोवाइड किया है। तो एप्लीकेशन एक अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट यहाँ पे जो लोन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके खाते में आएंगे 47,345 रुपए आप यहाँ पे खाते में आएंगे। उसके बाद आपको लोन को अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को डालना है, उसके बाद हाउस नंबर डालना है, उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसके बाद मेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फादर नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे वर्क डिटेल में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप कहाँ काम करते हैं तो आपको उस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और आपको मंथली इनकम जो डालनी है कम से कम 30,000 से 35,000 रुपए डालनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 30,000 से 35,000 रुपए की मंथली इनकम यहाँ पे डाल चुका हूँ और यहाँ पे सीरियल नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे इंस्टेंट मुझे 47,000 कुछ का लोन मेरे बैंक अकाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है। तो उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा बैक चलता हूँ। तो बैक चलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आपको बैक डिटेल को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। बैक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, उसके बाद बैंक एड्रेस नेम आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर दोबारा से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप पेमेंट ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंस्टेंट यहाँ पे जो लोन है वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और 5 मिनट के अंदर ही लोन आपके बैंक अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 50,000 वाले लोन को मैं टैप करता हूँ तो 50,000 रुपए वाला लोन मुझे यहाँ पे मिल चुका है और 9 मंथ की ईएमआई के साथ ही मुझे यहाँ पे लोन मिल गया है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आपका इंस्टेंट जाके यहाँ पे 50,000 रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन कौन सी है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ। तो आपको चलना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। तो मैं आपको प्ले स्टोर पे यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो प्ले स्टोर पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो प्ले स्टोर पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो मैं आपको सर्च करके भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट कॉइन। तो स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसकी रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 की इसकी रेटिंग है और जिसका डाउनलोड यहाँ पे 1 करोड़+ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट लोन 1,00,000 का मिल जाएगा, आरबीआई द्वारा अप्रूवड है, 100% डिजिटल प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, मिनिमम पेपर वर्क के ऊपर आपको लोन मिलेगा, टेनवर आपको 2 से लेके 9 मंथ का मिल जाएगा, एप्रा रेंज यहाँ पे 90% की लगने वाली है और 7 लैंग्वेज में एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करती है। और डॉक्यूमेंट आपके कौन से लगेगी, आपकी लगेगी अगर आप सेल्फ अपलोड है तो भी लोन मिल जाएगा, सैलरी पर्सन है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। तब पे 21 से लेके 45 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मंथली इनकम अबोव आपका 20,000 रुपए होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और इंस्टेंट आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो यहाँ पे एक्टिव हो, जिस बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे बैलेंस आप रिसीव करना चाह रहे हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।